तो अब हम बात कर रहे हैं डीम्ड इक्विटी। डीम्ड इक्विटी, इक्विटी जिसे हम डीम कर ले रहे हैं, डीम कर ले रहे हैं कि ये भी हमारा शेयर कैपिटल है। ये कुछ नया ऐड हुआ। जब हम नए इंड एएस की बात करते हैं तो ये कुछ नया ऐड हुआ, जैसे कि पुटेबल इंस्ट्रूमेंट्स। पुटेबल इंस्ट्रूमेंट, मेरी कंपनी का शेयर मैंने इशू किया, मेरी कंपनी का शेयर मैंने इशू किया, और जब मैंने इशू किया तब जिस जिसने खरीदा, जिस जिसको मैंने इनवाइट किया, मैंने उससे बोला भाई अगर तू मेरा शेयर खरीदता है ना तो मैं तुझे एक पुट ऑप्शन भी देता हूँ। पुट ऑप्शन, पुट ऑप्शन मतलब क्या? ऑप्शन टू सेल। सामने वाले को मैं पुट ऑप्शन दे रहा हूँ, डेट यू हैव द ऑप्शन टू सेल। किसे? मुझे ही, कंपनी को। कंपनी ने सामने वाले को पुट ऑप्शन दिया कि भाई तू चाहे तो ये शेयर आज खरीदने के बाद मुझे वापस बेच देना, एक फिक्स डेट को, कोई एक फिक्स डेट होगी, वो एक फिक्स डेट को मुझे वापस बेच देना। इस बात का कॉन्ट्रैक्ट हम आज ही कर रहे हैं और कंपनी आज ही सेल कर रही है शेयर कैपिटल विथ पुट ऑप्शन। शेयर कैपिटल विथ पुट ऑप्शन, आप चाहो तो ये शेयर कंपनी को वापस से बेच देना। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डैट गिव्स द होल्डर द राइट टू पुट बैक द इंस्ट्रूमेंट टू द इशूअर। राइट टू पुट बैक द इंस्ट्रूमेंट टू द इशूअर, जो इशू कर रहा है उसी को वापस पुट बैक कर देंगे। किसके लिए? बदले में कैश के और अनदर फाइनेंशियल एसेट। कंपनी बदले में क्या देगी? कैश दे देगी या फिर फाइनेंशियल एसेट दे देगी। और इज ऑटोमेटिकली पुट बैक, ऑटोमेटिकली हो जाएगा ऑन अकरेंस ऑफ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। फ्यूचर में अगर कोई अनसर्टेन इवेंट हुआ तो, और डेथ और रिटायरमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट होल्डर। तो इंस्ट्रूमेंट होल्डर ने बोला है भाई हम एक कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने एक कॉन्ट्रैक्ट लाया, गवर्नमेंट ने एक कॉन्ट्रैक्ट लाया, सपोज स्वच्छ भारत अभियान, गंगा नदी की सफाई करना है। कंपनी ने ऑप्ट किया, कंपनी ने ऑप्ट किया, कंपनी ने ऑप्ट करके शेयर कैपिटल इशू किया, लोगों से पैसे मांगे, पैसे मांग के एक पुट ऑप्शन दे दिया कि भाई आप चाहो तो ये शेयर हमें वापस बेच देना या फिर हम आपको ये पैसे वैसे ही लौटा देंगे अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हमको नहीं मिलता है तो। ये कॉन्ट्रैक्ट अगर हमें नहीं मिला तो हम पैसे लौटा देंगे। ऑटोमेटिकली पुट बैक, ऑटोमेटिकली पुट बैक ऑन अकरेंस ऑफ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। फ्यूचर इवेंट यानी सामने वाले को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा ये अनसर्टेन है। और डेथ, कंपनी बंद हो गई। और रिटायरमेंट, कंपनी को बंद कर दिया ऑफ द इंस्ट्रूमेंट होल्डर। आई होप कंसेप्ट क्लियर है पुटेबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। ये पुटेबल इंस्ट्रूमेंट को इक्विटी डीम किया जाता है, अज्यूम किया जाता है कि ये इक्विटी है। क्या हर केस में, क्या हर बार ऐसा कोई भी शेयर इशू किया तो उसके ऊपर क्या हमेशा ऐसा अज्यूम कर लिया जाएगा? सब्जेक्ट टू कंडीशंस, कुछ कंडीशंस सेटिस्फाई करने पड़ेंगे। इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिक कंडीशंस है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी ना तो ही, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ही इक्विटी शेयर कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। पहला कंडीशन, होल्डर इज एंटाइटल्ड टू प्रोरेटा शेयर इन नेट एसेट्स ऑफ द कंपनी इन केस ऑफ लिक्विडेशन। कंपनी अगर लिक्विडेट हो गई, कंपनी अगर बंद हो गई, तो ये जो होल्डर है जिसके पास ये पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट है, ही हैज द राइट, अधिकार है फॉर प्रोरेटा शेयर। मेरे जैसे बाकी भी जितने लोग हैं जिन्होंने इस कंपनी के शेयर खरीद के रखे हैं उनके साथ मेरे पास भी एक अधिकार है प्रोरेटा शेयर मांगने का, कंपनी के नेट एसेट्स में से। एसेट्स में से नहीं, नेट एसेट्स में से। नेट एसेट्स क्या होते हैं? आफ्टर रीपेइंग ऑल लाइबिलिटीज, सारी लाइबिलिटीज रीपे करने के बाद जो बचा उसमें मांगने का अधिकार प्रोरेटा। मैंने जितना पैसा दिया है जरूरी नहीं है उतना पूरा। फॉर एग्जाम्पल सारी लाइबिलिटी पे करने के बाद में 5 लाख रुपए बचे, सारी लाइबिलिटीज पे करने के बाद 5 लाख रुपए बचे और शेयर कैपिटल है वर्थ 1 लाख रुपए का। शेयर कैपिटल है वर्थ 1 लाख रुपए का, ये पुटेबल इंस्ट्रूमेंट है वर्थ 1 लाख रुपए के। तो हर होल्डर को कितना पैसा मिलेगा? हर 1 रुपए के बदले 5 रुपए। 5 लाख रुपए के नेट एसेट्स बचे हैं, 1 लाख रुपए का पुटेबल इंस्ट्रूमेंट शेयर है,
कितना पैसा मिलेगा हर एक को, हर एक रुपए के बदले 5 रुपए, 5:1। और अगर नेट एसेट सिर्फ 50,000 रुपए के बचे होते तो, सिर्फ 50,000 रुपए के, तो हर एक रुपए के बदले 50 पैसा। राइट जरूर है और राइट प्रोरेटा है, प्रोरेटा है। ऐसा नहीं हो सकता कोई एक शेयर होल्डर बोल दे मुझे तो मैंने जितना डाला उतना तो दे दो, मैंने 1 रुपए डाला 1 रुपए लौटाओ, ऐसा नहीं कर सकता कोई, ऐसा कोई मांग नहीं है सकता। इट इज सबॉर्डिनेटेड टू ऑल अदर क्लास ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। ये सबसे सबॉर्डिनेट क्लास है, सबसे नीचे, सबसे नीचे का क्लास है। तो इक्विटी शेयर होल्डर कौन होता है? सबॉर्डिनेट क्लास, सबसे लास्ट क्लास। तो ये कौन होगा? सबसे लास्ट क्लास, सबसे नीचे वाला क्लास। ऑल इंस्ट्रूमेंट्स इन दिस क्लास हैव सेम फीचर। इस क्लास के अंदर, ये क्लास ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर हर इंस्ट्रूमेंट होल्डर का जो फीचर है वो सेम है। सबके सब चाइनीज है, सब एक जैसे दिखते हैं, सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स एक जैसे हैं, सबके पास सेम राइट है, सबको सेम स्ट्राइक प्राइस मिला है, सबको सेम डिविडेंड मिलेगा डिविडेंड डिक्लेयर हुआ तो, सबको पैसा अगर कंपनी ऑटोमेटिक अनसर्टेन इवेंट पे रिटर्न करने की बात करें तो सबको मिलेगा। सो दे आर इंस्ट्रूमेंट्स विद सेम फीचर्स, सारे के सारे फीचर्स सेम है। इश्यूअर हैज ओनली रीपर्चेस ऑब्लिगेशन। जो इश्यूअर है ना, जिसने इसको इशू किया, उसके पास सिर्फ और सिर्फ केवल वापस खरीदने का ऑब्लिगेशन है और कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन सिर्फ और सिर्फ वापस खरीदने का है। क्या डिविडेंड देने का है? नहीं। क्या इंटरेस्ट देने का है? नहीं। क्या कंपनी के एसेट्स देने का है? नहीं। सिर्फ और सिर्फ केवल रीपर्चेस, वापस खरीदने का स्ट्राइक प्राइस जो दिया है वो प्राइस के ऊपर, बस यही एक ऑब्लिगेशन है और कोई ऑब्लिगेशन नहीं। कंपनी चाहे तो डिविडेंड दे सकती है, मनाही नहीं है, पर सामने वाले के पास मांगने का अधिकार नहीं है। कंपनी कुछ भी कर सकती है, सामने वाले के पास अधिकार नहीं है। अधिकार क्या है? पैसा वापस कर दे, पैसा वापस कर दे। सो आई होप क्लियर है। तो अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो पुटेबल इंस्ट्रूमेंट को इक्विटी बोलेंगे, नहीं तो पुटेबल इंस्ट्रूमेंट इक्विटी नहीं कहलाएगा, नहीं तो पुटेबल इंस्ट्रूमेंट इक्विटी नहीं होता। फिर इशुअर स्पेसिफिक कंडीशन है, इशुअर इशू जिसने किया ना उसकी तरफ से भी स्पेसिफिक कंडीशन है। द इशुअर हैज नो अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विच हैज द अफेक्ट ऑफ सब्सटैंशियली रिस्ट्रिक्टिंग और फिक्सिंग द रेसिडुअल रिटर्न ऑन द पुटेबल इंस्ट्रूमेंट। ये जो इशुअर है जिसने इशू किया है, उसने ऐसा कोई और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं इशू करके रखा है, कोई और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशू करके नहीं रखा है, विच हैज द अफेक्ट ऑफ सब्सटैंशियली रेस्ट्रिक्टिंग, जो रेस्ट्रिक्ट कर देगा सामने वाले को कि वो अपना शेयर ना बेच पाए, वो अपना शेयर ना बेच पाए, और फिक्स अ रेसिडुअल रिटर्न, जो एक रिटर्न फिक्स नहीं कर दे रहा है टू पुटेबल इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि कंपनी ने जब ये डिबेंचर्स इशू किए, कंपनी ने जब ये शेयर्स इशू किए, शेयर इशू किए विद पुट ऑप्शन, शेयर इशू किया विद पुट ऑप्शन, तो सामने वाला बंदा वापस पैसे कॉल कर सकता है, पर क्या डिबेंचर मांग सकता है? नहीं। तो कंपनी ने उसे बोला, अच्छा ये शेयर तो लो ही लो, हम तुम्हें इस शेयर के साथ एक 10% प्रिफरेंस शेयर वाला शेयर फ्री दे रहे हैं, ये शेयर के साथ एक 10% इंटरेस्ट, 10% डिविडेंड वाला प्रेफरेंस शेयर, 10% डिविडेंड वाला प्रेफरेंस शेयर फ्री ले जाओ। तो इश्यूअर के पास इसके अलावा रेसिडुअल रिटर्न रेस्ट्रिक्टिंग या फिक्स हो गया, फिक्स करने की बात हो गई ऑफ रेसिडुअल रिटर्न पुटेबल इंस्ट्रूमेंट पे, तो क्या अब ये इंस्ट्रूमेंट इक्विटी कहला सकता है? नहीं, अब नहीं कहला सकता। क्यों? क्योंकि इश्यूअर ने ऐसा कुछ कर दिया जिसके कारण अब उसको और रिटर्न मिलने की बात हो रही है, या फिर रेस्ट्रिक्ट कर दिया। रेस्ट्रिक्ट भी तो कर सकता है कि वो पुट ऑप्शन को एक्सरसाइज ही नहीं कर पाए। आप पुट ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हो अगर अगर
कंपनी का दिवाला निकल जाए तो, अरे कंपनी का दिवाला निकल जाए मतलब कंडीशन लगा दिया, यानी रेस्ट्रिक्ट कर दिया, यानी सामने वाला एक्साइज ही नहीं कर पाया। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को क्या मैं इक्विटी बोल सकता हूँ? नहीं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स इक्विटी नहीं हो सकते। तो आई होप डीम्ड इक्विटी का कंसेप्ट क्लियर है, पुटेबल डीम्ड इक्विटी, समझेंगे। एक्स लिमिटेड इशूड इक्विटी शेयर्स विद पुट ऑप्शन, एक्स लिमिटेड इशूड इक्विटी शेयर्स विद पुट ऑप्शन दैट कैन बी एक्सरसाइज आफ्टर वन ईयर, दैट कैन बी एक्सरसाइज आफ्टर वन ईयर एंड विद इन फाइव ईयर्स। इट्स शेयर होल्डर्स कम डायरेक्टर्स प्रोवाइड अ गारंटी टू द कंपनी, शेयर होल्डर्स कम डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स जो कि शेयर होल्डर भी है, प्रोवाइड गारंटी टू द कंपनी एंड आर पेड अ फीस फॉर दिस। इस कॉन्ट्रैक्ट की गारंटी कौन दे रहा है? शेयर होल्डर। और ये गारंटी, सॉरी डायरेक्टर, डायरेक्टर, डायरेक्टर गारंटी कौन दे रहा है? डायरेक्टर। इस गारंटी की उनको फीस पे की जा रही है, इस गारंटी की आप उनको फीस पे कर रहे हो। क्या ये शेयर होल्डर्स सबॉर्डिनेट जो दूसरे शेयर होल्डर्स है, आर शेयर्स ऑफ शेयर होल्डर्स सबॉर्डिनेट टू दोज ऑफ डायरेक्टर्स? तो डायरेक्टर के पास दो प्रकार के शेयर है ना, एक तो दो प्रकार है ना, एक ही प्रकार का शेयर है बेसिकली। डायरेक्टर्स के पास भी शेयर है पर बदले में उन्हें गारंटी का पैसा मिल रहा है, और दूसरे शेयर होल्डर्स है जिन्हें गारंटी मिली है पर पैसा नहीं मिल रहा, मतलब फीस नहीं मिल रही। तो क्या वो शेयर होल्डर डायरेक्टर्स से सबॉर्डिनेट क्लास पे आ गया? क्या वो डायरेक्टर्स से सबॉर्डिनेट क्लास पे आ गया? ध्यान से समझिए क्या बोल रहा है। हम कंपनी ने पुटेबल इंस्ट्रूमेंट इशू किया जो एक साल बाद एक्साइज हो सकता है, पांच साल के पहले। ये इंस्ट्रूमेंट लोगों को भी मिला और डायरेक्टर्स को भी मिला, और डायरेक्टर्स ने इस इंस्ट्रूमेंट की गारंटी देके रखी है। जो सारे शेयर होल्डर्स है वो सारे शेयर होल्डर्स को डायरेक्टर्स ने गारंटी देके रखी है कि भाई आपको कंपनी पैसा नहीं दे पाई तो हम देंगे, और इस गारंटी का कंपनी डायरेक्टर को फीस दे रही है। तो डायरेक्टर को जो फीस मिल रही है, शेयर भी लिया फीस भी ले रहा है, उसका शेयर कंपेयर टू दूसरे शेयर होल्डर्स क्या सुपीरियर हो गया, या दूसरे शेयर होल्डर्स का शेयर सबॉर्डिनेट हो गया? तो ऐसा देखा जाए तो कुछ नहीं है। डायरेक्टर ने शेयर खरीदा इसीलिए उसे फीस दी जा रही है क्या? नहीं ना। अगर डायरेक्टर शेयर नहीं खरीदता तो ये फीस उसको देते कि नहीं देते? देते, देते ना भाई, गारंटी तो दे रहा है ना शेयर जिसने भी खरीदा, इररेस्पेक्टिव ऑफ हूसोएवर बाइज द शेयर्स, आई द कंपनी डायरेक्टर गिव यू गारंटी कि कंपनी पैसा नहीं दे पाई तो मैं दे दूंगा, मुझसे पैसे लेके चले जाना। तो कंसेप्ट क्लियर है ना, ये जो गारंटी है ये अलग है, शेयर अलग है, सेम बंदे ने दोनों चीजें ले ली, बस ऐसा हो गया। तो सुपीरियर क्लास का हो गया क्या? नहीं, वो कोई सुपीरियर क्लास का नहीं हुआ, सेम बंदे ने दो तरह की चीजें ले ली इसलिए वो सुपीरियर क्लास हो जाता है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो डायरेक्टर का सुपीरियर है और दूसरों का सबॉर्डिनेट? नहीं, सभी सबॉर्डिनेट है, फीस अलग नेचर की चीज है और शेयर्स अलग नेचर की चीज है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समझिए। एक्स लिमिटेड इशूड इक्विटी शेयर्स विद पुट ऑप्शन दैट कैन बी एक्सरसाइज आफ्टर वन ईयर विद इन फाइव ईयर्स। These are classified into class A shares with non-voting rights and 2% more dividend, 2% more dividend than those of class B and class B with voting rights and normal dividend. Class A है जिनके पास voting right नहीं है, 2% ज्यादा dividend है, और class B है जिनके पास voting right है और normal dividend है। Should class B be categorized as subordinated to class A? क्या class B क्लास ए से सबॉर्डिनेट है? सबॉर्डिनेट पे आता है, चलिए देखते हैं। सबॉर्डिनेशन सारी के सारी क्लास एट पार होना चाहिए, सारे क्लासेस एट पार होना चाहिए, हमने ये पढ़ा था। तो क्लास ए को 2% ज्यादा डिविडेंड मिल रहा है, उन्हें वोटिंग राइट नहीं मिल रहा पर 2% ज्यादा डिविडेंड मिल रहा है, तो क्लास ए सुपीरियर हो गया क्या? हाँ, अब क्लास ए क्या हो गया? सुपीरियर हो गया, क्लास ए क्लास बी से सुपीरियर हो गया। तो अब आप एट पार बोल सकते हो क्या? नहीं, वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। सारे के सारे इस क्लास के अंदर जो शेयर्स है वो सारे के सारे शेयर सबॉर्डिनेट एट पार होना चाहिए, जो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो आई होप कंसेप्ट क्लियर है। वो क्या बोल रहा है? क्लास बी सबॉर्डिनेट है क्या? हाँ, क्लास बी क्लास ए से सबॉर्डिनेट है। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड इशूज यूनिट्स टू द यूनिट होल्डर विच कंटेन्स अ रीपर्चेस फीचर
वापस खरीदने का फीचर. दैट इज द यूनिट होल्डर कैन ऑफर देयर यूनिट्स फॉर रीपर्चेस, कैन दे बी क्लासिफाइड एज इक्विटी. अभी क्या यूनिट होल्डर्स की बात हो रही है, यूनिट होल्डर्स किसके, म्यूचुअल फंड के. म्यूचुअल फंड क्या करता है, अपने यूनिट्स पूरे गांव में बेचता है, जो भी खरीदता है वो जब चाहे कंपनी को वापस सेल कर सकता है. ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड, कंपनी वापस अपने यूनिट्स खरीद लेती है, यानी सेकेंडरी मार्केट की जरूरत नहीं है, कंपनी वापस अपने यूनिट्स खरीद लेती है. तो ये जो ओपन एंडेड फंड है जिसमें कि रीपर्चेस का फीचर कंपनी ने डाल के रखा है, ये जो यूनिट्स है ये यूनिट्स इक्विटी क्लासिफाई हो सकते हैं क्या? तो चार कंडीशंस पड़ी थी, चारों की चारों कंडीशन सेटिस्फाई करता है क्या, हम लोगों को बस ये समझना पड़ेगा कि चारों की चारों कंडीशन सेटिस्फाई करता है क्या. ध्यान में होगा आपके, होल्डर इज एंटाइटल टू प्रोरेटा शेयर. जो यूनिट जिसने खरीद के रखा है उसे कंपनी के नेट एसेट्स में प्रोरेटा शेयर है. हाँ, कंडीशन सेटिस्फाइड. यूनिट म्यूचुअल फंड के यूनिट होल्डर को एनएवी मिलता है. एनएवी क्या होता है, नेट एसेट वैल्यू, नेट एसेट्स की प्रोरेटा वैल्यू. सबॉर्डिनेटेड टू ऑल अदर क्लास, सारे क्लासेस से सबॉर्डिनेट है, सबसे लास्ट क्लास है. हाँ, कंडीशन सेटिस्फाई, यूनिट होल्डर सबसे लास्ट क्लास होता है. ऑल इंस्ट्रूमेंट्स हैव सेम फीचर, सबके पास सेम राइट्स है. हाँ, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है. इशुअर हैज ओनली रीपर्चेस ऑब्लिगेशन, सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड यूनिट को रीपर्चेस का ऑब्लिगेशन है, ना डिविडेंड देने का ऑब्लिगेशन है, ना कोई ऑब्लिगेशन है. हाँ, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है. जब चारों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो क्या इक्विटी है? हाँ. क्या कहीं म्यूचुअल फंड रेस्ट्रिक्ट कर सकता है पैसा देने से? कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा है. क्या फिक्स कर सकता है कुछ रिटर्न? कुछ भी फिक्स नहीं किया है. तो सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है. मैं बोल सकता हूँ कि ये जो ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड है इसके जो यूनिट्स है क्या हो जाएंगे, इक्विटी क्लासिफाई हो जाएंगे, ना कि फाइनेंशियल लाइबिलिटी. ठीक है. सो आई होप पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स का कंसेप्ट क्लियर है, आपको समझ में आ